रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। ये क्या, इस मुद्दे पर मोदी सरकार के साथ खड़ी हो गई कांग्रेस? ओवैसी बोले, मैं भी साथ। भारतीय राजनीति ने अचानक से बड़ा मोड़ ले लिया है, धुर विरोधी साथ आगे हैं। जी हां, एक ऐसा मुद्दा है जिस पर मोदी सरकार के साथ कांग्रेस आ खड़ी हुई है। कांग्रेस का ऐलान है कि वो मोदी सरकार के साथ है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी के कट्टर विरोधी असदुद्दीन ओवैसी भी मोदी सरकार के समर्थन में आ खड़े हुए हैं। आखिर वो कौन सा मुद्दा है जिस पर विरोधी एक हो गए हैं? जानिए वो मुद्दा जिसने बदल दी राजनीति की तस्वीर। जनसत्ता.com की खबर के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र संघ ने गुरुवार को कश्मीर और पाक अधिकृत कश्मीर की एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में वहां मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में मानवाधिकारों के उल्लंघनों के मामले की जांच करने की भी सिफारिश की गई है। इस रिपोर्ट के प्रकाशित होने के बाद से ही बवाल मचा है। जाने भाजपा ने क्या कहा है। जनसत्ता.com की खबर के मुताबिक इस मुद्दे पर भाजपा में उबाल आ गया है। भाजपा ने इस रिपोर्ट का जमकर विरोध किया है। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि इस रिपोर्ट को सीधे कूड़े के डिब्बे में फेंक देना चाहिए। उनका कहना है कि इस रिपोर्ट को वामपंथी विचारधारा के लोगों ने मिलकर बनाया है, जिनको वहाँ की स्थिति का पता तक नहीं है। ऐसी रिपोर्ट को महत्व ही नहीं देना चाहिए। कांग्रेस भी मोदी सरकार के साथ, भाजपा ने तो इस रिपोर्ट का विरोध किया ही है, लेकिन कांग्रेस भी इस मुद्दे पर मोदी सरकार के साथ खड़ी हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला ने इस रिपोर्ट का खुलकर विरोध किया है। उनका कहना है कि इस रिपोर्ट में आतंकियों को हथियारबंद लोगों का समूह बताया गया है, जो एकदम गलत है। कांग्रेस ने ऐलान किया कि इस मुद्दे पर कांग्रेस पूरी तरह से मोदी सरकार के साथ खड़ी रहेगी। ओवैसी बोले, मोदी का विरोध लेकिन इस मुद्दे पर हूँ साथ। जीनियल्स की खबर के अनुसार इस मुद्दे पर मोदी विरोधी असदुद्दीन ओवैसी भी सरकार के साथ खड़े हो गए हैं। ओवैसी का कहना है कि यह भारत का अंदरूनी मामला है, इसमें संयुक्त राष्ट्र को दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। ओवैसी ने कहा कि मैं भले ही मोदी का अंतिम सांस तक विरोध करूंगा, लेकिन देश की बात आएगी तो मैं साथ हूं।